back to my channel. I hope you all are safe and doing well. Today's video is gonna be my most favorite haul of all times. It is going to be a Sarojini Nagar haul. I love shopping from Sarojini Nagar. Like branded clothes वगैरह से मुझे कोई मतलब नहीं है. मुझे कभी भी सरोजनी ले जाओ shopping कराने में बहुत खुश हो जाती हूँ. So basically January end में जब इशिता दिल्ली आई थी तो मैं इशिता और वन्या के साथ सरोजनी नगर गई थी shopping करने. By the way वन्या के channel पे एक सरोजनी नगर vlog आ चुका है and इशिता ने भी अपना सरोजनी नगर haul post कर दिया है. तो मैं दोनों की videos नीचे description box में mention कर दूंगी guys. And इससे पहले सर्दियां चली जाए मुझे भी अपना ये haul film करके upload कर देना चाहिए because ये सारा सामान ना winter stuff है. So basically मैंने एक सरोजनी haul पहले फिल्म कर लिया था लेकिन मैं जब दोबारा इशिता के साथ चली गई थी सरोजनी शॉपिंग करने तो मैंने सोचा कि ये दो अलग अलग हॉल्स में क्या डालूं अपने चैनल पे. इट्स बेटर कि मैं दोबारा से हॉल बना के एक फ्रेश हॉल डालूं जिसमें मैं दोनों टाइम की शॉपिंग बता दूं. ऑल्सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द वीडियो लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द न्यू ईयर कॉन्टेस्ट दैट आई एम रनिंग ऑन माई चैनल दिस मंथ. तो मैं उसकी डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में दूंगी. मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज हॉल. ऑलराइट सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद द थिंग्स दैट आई एक्चुअली शॉप्ड विद इशिता एंड वन्या. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट is this really cute cardigan. It is actually a knitted cardigan and it just मुझे मेरे घुटनों के ऊपर तक आता है. इसमें साइड में से दो पॉकेट्स भी हैं. इतना क्यूट सा लाइक ऐसे पेस्टल पिंकी कैंडी पिंक टाइप का कलर है यार. ये मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लगता है. द ओनली इशू इज कि इसके जो ये स्लीव्स हैं ना मुझे छोटे हैं. बट मैं इसको ये जो फोल्ड हुआ है इसको खोल दूंगी सो इट वुड बी फाइन. अदर देन दैट द क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज रियली गुड एंड आई थिंक आई गॉट दिस फॉर जस्ट 200 rupees फ्रॉम ग्रफिटी लेन. ये आपकी ठंड तो ऑब्वियसली नहीं रोकने वाला है. इट्स समथिंग जो कि आप जाती या आती सर्दी में पहन सकते हो. जैसे कि अभी दिल्ली में इतनी ठंड नहीं रह गई है लाइक थोड़ी बहुत तो लगती है ऑब्वियसली. सो इस टाइप की सीजन के लिए आई थिंक इस टाइप के क्यूट क्यूट कार्डिगन्स निटेड कार्डिगन्स बहुत ही अच्छे रहते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज समथिंग जो मेरे साइड में ही पड़ा है एंड इट इज दिस कुशन कवर. बेसिकली ये मैंने सिर्फ कवर लिया था 100 rupees का फ्रॉम दिस शॉप. कुशन शॉप है जो बिक्सी के जस्ट सामने एक पतली सी गली है. आप अगर उसके अंदर जाओगे तो आपको वो कुशन शॉप दिख जाएगी. मैंने उसको काफी बार अपने व्लॉग्स में भी फीचर किया है एंड आई रियली लाइक टू बाय माई कुशन कवर्स फ्रॉम देयर. ये वाले तो मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं बाय द वे लेकिन मैं मोस्टली वहीं से अपनी कुशन कवर्स शॉपिंग करती हूँ. इस बार मैंने ये वाला लिया है बिकॉज आई थिंक इट जस्ट लुक्स वेरी वेरी एस्थेटिक. बाय द वे इशिता ने भी वहां से एक कुशन कवर लिया था जो कि वो अपने हॉल में दिखाना भूल गई है बट आप लोगों को उसकी वीडियोस में दिख जाएगा बहुत जल्दी. सो या ये हम दोनों ने मतलब एक उसने लिया था एक मैंने लिया था एंड इट जस्ट लुक्स वेरी वेरी एस्थेटिक. मुझे काफी अच्छा लगता है इसको. मैं जस्ट अपने सोफे पे ऐसे यू नो साइड में रख लेती हूँ एंड इट जस्ट लुक्स वेरी क्यूट. और वैसे द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस निटेड वेस्ट. ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड ये सभी को बहुत अच्छी लगी थी एंड सबने बोला कि ले ले. इट्स एक्चुअली वेरी वेरी स्टाइलिश यू कैन से बिकॉज ये अगर आप अपने ऐसे टर्टल नेक्स वगैरह के ऊपर पहनते हो तो काफी अच्छे लगते हैं. काफी स्टाइलिश भी लगते हैं गाइज एंड यू एक्चुअली लुक लाइक अ फैशन इन्फ्लुएंसर व्हेन यू लेयर योर थिंग्स सॉरी लेयर योर क्लोथ्स इन अ फैंसी वे. सो ये वाला मैंने एक्चुअली अपनी एक वीडियो में पहना था. एक मीशो विंटर वेयर हॉल मैंने किया था अभी. सो उसमें आई एक्चुअली वोर दिस ऑन टॉप ऑफ माई ब्लैक टर्टल नेक एंड आई थिंक एक दो लोगों ने पूछा भी था कि ये कहाँ से है. सो दिस इज फ्रॉम सरोजनी जस्ट फॉर 100 rupees. आई एम सो सॉरी मुझे शॉप नंबर्स वगैरह भी याद नहीं है एंड इतनी डंबू के मैं लिखना भी भूल गई कि मैं क्या चीज कहां से ले रही हूँ. बहुत टाइम पहले शॉपिंग की थी विच इज वाई आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट शॉप नंबर्स. मैं आपको थोड़ा ऐसे लोकेशन वगैरह ही बता दूंगी. सो या ये मुझे काफी अच्छी लगती है. इसका जो फिट है ना काफी ऐसा लूज टाइप का फिट आता है. सो मेक श्योर अंदर आप जो भी टर्टल नेक पहनो आपको प्रॉपरली फिटेड हो. द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज समथिंग वेरी नाइस लाइक वेरी स्टाइलिश. सो दीज आर दीज टेपर्ड पैंट्स इन अ ब्यूटिफुल रस्टी ऑरेंज कलर. इट काइंड ऑफ मैचेज माई सोफा एज वेल यू गाइज कैन सी. थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दीज ट्राउजर्स इज के इसका ना इसे पेपर बैक वेस्ट है तो मुझे काफी अच्छा लगता है ये एंड हाई वेस्टेड भी है. काफी अच्छे से फिट होता है लकीली. लाइक मैं सरोजनी नगर से ना उतना बॉटम वेयर शॉप नहीं करती हूँ बट समहाउ ये मुझे इतने अच्छे से फिट होता है एंड इसका जो स्टफ है ना इट्स नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड. ये थोड़ा सा ऐसा फ्लोई टाइप का मटेरियल है इसका. साइड में दो पॉकेट्स भी हैं एंड पीछे कोई पॉकेट्स नहीं है बाय द वे. बट स्टिल मुझे इसका कलर एंड कपड़े की क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी लगी. सो या आई थिंक 200 rupees में दिस इज सच अ गुड डील. बाय द वे इशिता और वन्या इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो अगर मैं किसी प्रोडक्ट का प्राइस गलत बता दूं बिकॉज मुझे याद नहीं सो प्लीज करेक्ट मी इन द कॉमेंट सेक्शन. सो या दैट्स अनदर थिंग दैट आई गॉट. नेक्स्ट अप आई गॉट वन मोर बॉटम वेयर एंड आई गॉट दीज जीन्स पेयर ऑफ जीन्स. दिस इज व्हाट द जीन्स लुक लाइक. इसके नीचे ना ऐसे रिप्ड सॉर्ट ऑफ फिनिशिंग दी हुई है जो कि मुझे काफी अच्छी लगी. लाइक दिस एक्चुअली कॉट माई अटेंशन इन द शॉप. सो मैंने सोचा कि ये वाला ले लेना चाहिए एंड देन फिर मैंने इसको ऐसे नाप के देखा था अपने गले से. सो इसका वेस्ट वगैरह भी ठीक है. मुझे मैंने घर आके इसको ट्राई ऑन जब किया
I was assuming कि ये मुझे एकदम ऐसे straight pants वाली straight jeans वाली look देगा, but I was wrong. ये मुझे thighs से एकदम fit आता है and नीचे जाते जाते ना ये थोड़ा सा flared pants type का बन जाता है, हल्का सा, जो कि मुझे अब थोड़ा weird लगता है and also ये मुझे थोड़े से छोटे हैं length में. मैंने इसको ऐसे ले लिया था, you know, तुक्का मार रही थी मैं कि क्या पता अच्छा fitting आ जाए, क्योंकि इसके अंदर ऐसे elastic भी लगी हुई है and इसकी quality and इसका जो denim wash वगैरह मुझे काफी अच्छा लगा था सब कुछ, but I'm not completely satisfied how it fits me, although I can make it work, but let's see. 200 rupees mein, I think it's not a bad deal. Next up, I got these really beautiful statement earrings. These are like very nice geometrical kind of shape hai inki, and ye maine na फिश पॉइंट के जो सामने एकदम शॉप है ना, जिसके बारे में मैं कितनी बार जिक्र कर चुकी हूँ अपने पास्ट वीडियोस में, सरोजनी नगर वीडियोस में, कि मुझे वहाँ के ज्वेलरी इयररिंग्स काफी अच्छे लगते हैं. तो मैं कभी भी सरोजनी जाती हूँ तो मैं उस शॉप पे तो डेफिनेटली जाती हूँ चेक करने के लिए कि क्या न्यू कलेक्शन आई हुई है. वहां से आई रिमेंबर इशिता ने भी एक दो चीजें ली थी, सो मैंने ये वाले इयररिंग्स लिए थे फॉर जस्ट 100 rupees. आई थिंक दे जस्ट लुक वेरी वेरी क्लासी एंड स्टाइलिश. सो इनकी क्वालिटी वगैरह तो काफी अच्छी है, लाइक 100 rupees में दिस इज डेफिनेटली सो ब्यूटिफुल. Next up, I got this overcoat from Rafiti Lane. It's this really good, like a very light grey ka shade hai ye, and this is what it looks like. And ye ekdam aisa oversized sa overcoat hai. It does not fit me perfectly, but mujhe iska aisa oversized look kaafi acha laga. And I think aise oversized overcoats kaafi achhe lagte hain jab aap sab kuch aisa fitted pehno and upar se agar aapko aisa layer karna ho. And I got this just for 300 rupees. One actually helped me in bargaining. So yeah, हमने 300 rupees में लिया and इसकी quality बहुत अच्छी है. Like कभी कभी ऐसा होता है ना, रुए आए हुए होते हैं, थोड़े बहुत रुए होते हैं, सरोजनी के कपड़ों पे रुए मिलना तो बहुत ही कॉमन होता है, एंड स्पेशली ग्रफिटी लेन के ओवरकोट्स तो इतने, मतलब ओवरकोट्स मैंने देखे हैं कितनी रुए आई होती है उनपे एंड वो बिल्कुल भी ऐसा न्यू नहीं लगते हैं, काफी वॉर्न आउट टाइप्स लगते हैं, बट ये हमको एकदम ऐसा न्यू पीस लग रहा था, विच इज वाई विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट मैंने ये वाला ले लिया. इट ऑल्सो कम्स विद अ वेस्ट बेल्ट, लाइक अ मैचिंग वेस्ट बेल्ट. सो इसके आगे ना गाइस कोई ऐसा बटन्स वगैरह नहीं है क्लोज करने के लिए, यू कैन जस्ट वेयर इट एंड देन साइड में से वेस्ट बेल्ट लगा लो and you are good to go. It feels very very warm. It's of a very good quality. Abhi to khair sardiyan ja chuki hain, lekin next winters mein I'm gonna make the most out of it. So ye to thi sari cheeze jo maine Ishita aur Vanya ke sath shopping ki thi. Now I'm gonna show you a few things jo maine last to last time shop kiya tha, and ye sari cheeze ab kafi purani ho chuki hai, tum logon ne kafi baar mujhe in sab cheezon ko pehne hue dekh liya hoga. So the first thing that I got is this basic like a रिप पैटर्न का टॉप. ये मुझे काफी अच्छा लगता है पहनना. दिस इज वन ऑफ दोज जैसे जो हम टर्टलनेक्स वगैरह नहीं पहनते, वैसा वाला ही स्टफ है एग्जैक्टली. इट्स जस्ट दैट इसका आगे से वी नेक है. इसको मैं इतनी बार पहन चुकी हूँ, इनफैक्ट जब मैं लास्ट टाइम सरोजनी नगर गई थी उन दोनों के साथ शॉपिंग करने में तो भी यही पहन के चली गई थी. सो दिस वन आई थिंक आई जस्ट गॉट दिस फॉर 150 rupees फ्रॉम दिस रैंडम शॉप. इसको मैंने कोई थड़ी वड़ी से नहीं लिया है. थड़ियों से इस बार आई रियलाइज कि मैंने उतनी शॉपिंग करी नहीं है थड़ियों से, क्योंकि मैं मोस्टली वहीं से शॉपिंग करती हूँ. इस बार मैंने मोस्टली शॉप्स से शॉपिंग की है. नेक्स्ट अप आई गॉट दिस ग्रैनी कार्डिगन, यू कैन से. ये वाला मैंने थड़ी से लिया था फॉर जस्ट 100 rupees, एंड ये मैंने एक वीडियो में भी पहना था विद द सेम ब्लैक कैमिजोल जो मैंने अभी पहनी हुई है. सो आई फील इस टाइप की कार्डिगन्स अच्छे लगते हैं फ्लेयर्ड पैंट्स वगैरह के साथ. सो या दिस इज ऑफ दिस रियली लाइक चटैक सा येलो कलर है, एंड इसके आगे ऐसे छोटी छोटी ऐसे पॉकेट्स दी हुई हैं. द बमर इज के इसके स्लीव्स भी मुझे छोटे हैं. आई डोंट नो व्हाई कार्डिगन्स के आजकल ऐसा हो रहा है मेरे साथ के स्लीव्स छोटे निकल रहे हैं. इसका देख लो, इसका देख लो, मतलब आई डोंट नो, बट स्टिल इसको मैं ऐसे स्लीव्स इसके ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ा के पहन लेती हूँ. सो मुझे काफी अच्छा लगता है ये, एंड अगेन इसमें भी ऐसे ठंड वंड तो नहीं रुकने वाली है, बट इट्स लाइक अ रियली नाइस पीस फॉर लेयरिंग. देन आई गॉट दिस रियली नाइस स्कर्ट. लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, आई एम नॉट इन टू स्कर्ट्स. मुझे स्कर्ट्स वगैरह ड्रेसेस वगैरह पहनना उतना नहीं पसंद है, बट स्टिल दिस जस्ट कॉट माई अटेंशन क्योंकि इसका कलर एक तो इतना सुंदर है, ऊपर से इसका जो स्टाइल है लाइक इट इज एक्चुअली लाइक अ ए लाइन स्कर्ट, बट ये थोड़ा सा ऐसा प्लीटेड टाइप का इसका स्ट्रक्चर लाइक पैटर्न है, एंड इसका कलर मुझे इतना सुंदर लगा. लाइक आजकल पता नहीं क्यों इस टाइप के कलर्स मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, एंड इसके ऐसे इलास्टिक वेस्ट है. आई थिंक दिस वॉज जस्ट फॉर 200 rupees इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 250, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि इसको मैंने एक प्रॉपर शॉप से लिया था. दिस इज एक्चुअली अ वुलन काइंड ऑफ स्कर्ट जो कि आप विंटर्स में ही पहन सकते हो. यू कैन एक्चुअली वेयर दिस विद अ टर्टल नेक, ऊपर से आप ओवरकोट पहन लो लेयरिंग करने के लिए जब ज्यादा ठंड पड़ रही हो. नीचे यू कैन वेयर सम टाइट्स, शेयर टाइट्स भी चलेंगे, लाइक अच्छा लगेगा. देन बूट्स विद अ रियली नाइस बेरे कैप ऑफ एनी कॉन्ट्रास्टिंग कलर, मे बी अ रेड वन विद दिस काइंड ऑफ अ कलर. सो
मुझे काफी अच्छी लगी इसकी क्वालिटी एंड एवरीथिंग विच इज वाई आई गॉट दिस. एक्चुअली गॉट दीज टू बेसिक्स है टर्टल नेक स्वेटर्स जिसके ऊपर मैं अपने यू नो ओवर कोट्स एंड जैकेट्स वगैरह लेयर कर सकूं. इनको मैंने बहुत बार पहना है इन सर्दियों में. द फर्स्ट वन लुक्स लाइक दिस. ये बहुत ही ऐसे कॉमन जो सरोजनी नगर में नहीं मिल जाते हैं रिप पैटर्न वाले वही टर्टल नेक्स एंड नथिंग वेरी फैंसी. इनके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे. सो इट्स इज वेरी ब्यूटिफुल लाइक अ मिक्सचर ऑफ फ्यूशिया पिंक एंड पर्पल समथिंग लाइक दैट. मुझे बहुत सुंदर लगा था ये कलर एंड आई गॉट दिस जस्ट फॉर 100 rupees. Now the next one is this very dark like a plum color and this is what it looks like and iske na side mein aise slits bhi di hui hain like pata nahi why slits hi hain maine check karke liya tha. So yeah these are what the slits look like. स्लीव्स पे भी इसके ऐसे स्लिट्स लगी हुई हैं. तो या यू गाइस कैन सी के स्लिट्स हैं एंड ये भी वही सेम ऐसा रिप्ड पैटर्न वाला ही है. नथिंग वेरी फैंसी लाइक वेरी बेसिक पीसेस दैट यू नीड टू हैव इन योर वार्डरोब फॉर विंटर्स. एंड आई गेस दिस वन वाज आल्सो फॉर लाइक 100 rupees और 50 rupees आई एम नॉट श्योर. नाउ द लास्ट थिंग फॉर दिस हॉल इज दिस रियली ह्यूज जूट बैग. ये मैंने ना इंसेंस के जस्ट सामने एक भैया ऐसे पटरी पे बेचते हैं लाइक एनी बैग यू कैन पिक फॉर जस्ट 200 rupees. तो ये मैंने वहां से लिया था. दिस इज द बैग लुक्स लाइक. इसके ना आगे ऐसे हैंडल्स भी मिल जाते हैं हमको वुडन टाइप के एंड देन अंदर से इट लुक्स लाइक दिस. इसके अंदर ऐसे पोटली टाइप की ना अटैच्ड है. यू कैन नॉट रिमूव इट कम्प्लीटली. सो बेसिकली इसके कोई जिप वगैरह तो है नहीं. सो आप इसमें अपना इस पोटली के अंदर सामान रख के यू कैन जस्ट टाई दिस पोटली एंड देन आपका फिर सामान इसमें सिक्योर रहेगा. आई थिंक 200 rupees में इस टाइप की जूट बैग सरोजनी नगर में मिलना बहुत ही सही है. लाइक बहुत ही अच्छी डील है. सिर्फ वही भैया है जो 200 rupees के ऐसे बैग्स बेचते हैं इंसेंस के जस्ट सामने. एंड जब मैं इशिता वन्या के साथ शॉपिंग करने गई थी तो इशिता ने भी सेम ऐसा बैग लिया था. सो आप इसको अपने कॉलेज ले जा सकते हो या फिर इफ यू वॉन्ट गो फॉर वेजिटेबल शॉपिंग ग्रोसरीज वगैरह लेनी हो तो इस टाइप के ह्यूज ह्यूज बैग्स काफी सही रहते हैं. या फिर अगर आपको सरोजनी नगर जाना हो शॉपिंग करने तो आप आराम से वाला बैग ले जा सकते हो. इसमें आपको काफी सारा सामान फिट आ जाएगा. एंड विद दैट आई एम प्रीटी मच डन विद माय सरोजनी नगर हॉल. थैंक गॉड मैंने ये हॉल बना लिया टाइम से क्योंकि सर्दियां तो बस जा ही चुकी हैं. फिर कोई सेंस नहीं रह जाता ऐसा हॉल बनाने का. बट आई एम सो ग्लैड आई मेड दिस. एनीवेज सो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट द न्यू ईयर कॉन्टेस्ट. सो बेसिकली आई एम गिविंग अवे अ नायका वाउचर वर्थ ₹250 टू एवरी विनर. ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू बी अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल. यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई वुड लीव माय इंस्टाग्राम हैंडल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड यू have to answer a very simple question in the comments down below. And aaj ke contest ka question hai guys ki aapki sabse favorite flea market ya fir street market kaun si hai jahan se aapko shopping karna bahut pasand hai. Aap just mujhe comments mein apni city bata sakte ho and us city mein kaun si aapki favorite street market hai. You just have to let me know in the comments down below and you are done. So 3 din ke baad I'm going to announce the winner of this contest in the description box below only. So make sure you come back to this video and check the description box after 3 days for the winner's name. And that's pretty much it. If you like this video then please make sure you give it a big thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. In case you guys would like to connect with me on my social medias, I would surely leave all the links for you in the description box below as always. And yes, I shall see you next time. Till then you all please stay safe, stay positive and be kind to yourself and others. Bye bye.